बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर व प्रोडक्शन डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। नितिन देसाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नितिन देसाई के निधन से हर कोई दुखी है। फिल्म सितारे उनके निधन से शोक में है। यूं तो नितिन देसाई ने कभी पर्दे पर आकर काम नहीं किया, लेकिन अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की जड़ कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए स्टूडियो में ही बॉलीवुड की कई सारी फिल्में, टीवी शोज और विज्ञापनों की शूटिंग हुई थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के बॉलीवुड सफर पर। नितिन देसाई का जन्म 6 अगस्त 1965 में भागवत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नितिन देसाई एक बॉलीवुड निर्माता परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार में उनकी माँ एक फिल्म निर्माता है। बचपन से ही नितिन को कला का काफी शौक था। आज हम आपको पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। नितिन देसाई का पूरा नाम नितिन चंद्रकांत देसाई है, जिनका जन्म दापोली महाराष्ट्र में हुआ था। नितिन देसाई भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे। उन्होंने अपने 20 साल के करियर के दौरान आशुतोष गोवारिकर, विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। नितिन देसाई 1987 में पहली बार मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो पहुंचे और यहीं से अपना करियर उन्होंने शुरू किया। फोटोग्राफी के 2D प्रारूप से कला निर्देशन की 3D दुनिया में बदलाव किया। उन्होंने गोविंद निलहानी की 1987 की अवधि की टीवी सीरीज तमस में प्रसिद्ध कला निर्देशक नीतीश रॉय के साथ चौथे सहायक के रूप में काम किया। उनकी पहली फिल्म भूकंप थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। नितिन देसाई को मुख्य रूप से टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति और लगान 2001 जैसी सुपरहिट फिल्मों के कला निर्देशन और सेट डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त 2023 को मुंबई से 80 किलोमीटर दूर करजत स्थित अपने ही स्टूडियो में आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जा रहा है कि पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर ने पैसों की तंगी और कर्ज के कारण आत्महत्या करने का फैसला लिया। नितिन देसाई की शुरुआती शिक्षा मुंबई में वामन राव मुरयाग हाई स्कूल में पूरी हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट और एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज से फोटोग्राफी की पढ़ाई की। नितिन देसाई को फोटोग्राफी और आर्ट का काफी शौक था, इसलिए उन्होंने आर्ट की पढ़ाई पूरी की। नितिन देसाई का जन्म मुंबई में देसाई परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनके माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे और 1 भाई भी है। नितिन देसाई के पिता का नाम चंद्रकांत गणपत देवगन है और उनकी मां का नाम मीना चंद्रकांत गणपत है, जो कि फिल्म निर्माता है। नितिन देसाई की पत्नी का नाम नैना नोयती देसाई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। एक लड़की का नाम मानसी है। नितिन देसाई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नितिन देसाई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वर्क तथा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोज और फोटोज शेयर करते रहते हैं। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हेमा मालिनी और नील नितिन मुकेश सहित कई सितारों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही NBCN न्यूज की ओर से भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।